हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो लेकिन नंबर ऊपर आने चाहिए, ठीक है, बट आपको यहाँ 1 2 3 पे क्लिक करके करना पड़ रहा है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसे ये QWERTYUIOS दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर आप नंबर चाहते हो तो मैं तरीका बताता हूँ। आपके कीबोर्ड के अंदर ये जो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ जाना है प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ऑन कर देना है। कौन से वाला? NUMBER रो, फर्स्ट वाला। ओके, अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं दोबारा से यहाँ जाता हूँ चैट में, तो आप देखोगे कि भाई जो QWERTYUIOPS है उसके ऊपर नंबर आ गए हैं। तो अब मुझे यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा सारा काम जो है यहीं से ही हो जा रहा है, तो ये कितना आसान है ना। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। सेटिंग्स में जाना, प्रेफरेंसेस में जाना, और फिर यहाँ ये जो नंबर रो होता है इसको ऑन कर। अब मान लो आपके फ़ोन में ये दिखाई नहीं रहा, आपके फ़ोन में ये सेटिंग आ ही नहीं रही, तो क्या करना है? तो आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च मिलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या क्या करना है, तो यहाँ सर्च कर लेना आप कीबोर्ड। यहाँ देखो कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ देखो जी बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। जी बोर्ड मल्टी लैंग्वेज टाइपिंग वाली जगह जो दिख रही है ना, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ये प्रेफरेंस वाली जगह जाना और वही सिस्टम कर देना जो मैं आपको बताया था, नंबर रो पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो के अंदर, उम्मीद है आपको पता चल गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय।